तो पिछले पार्ट में नंबर वन हाओचेन के ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ने लगा था, जिसकी वजह से हाओचेन को रियलाइज हो जाता है कि नंबर वन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जख्मी होने के बाद भी हार नहीं मानना चाहता और इसके बाद वो नंबर वन के अटैक को रोकने के लिए डिवाइन शील्ड का यूज करता है। लेकिन नंबर वन के पावरफुल अटैक के सामने उसका डिवाइन शील्ड भी नहीं टिक पाता है। इसके बाद नंबर वन हाओचेन से कहने लगता है कि अगर तुम्हारा भी गोल गॉड शील्ड डिवाइन थ्रोन है तब तुम्हें अपना असली टैलेंट दिखाना होगा। अब उसकी यह बात सुनकर हाओचेन और भी हिम्मत के साथ में उसके साथ फाइट करता है। लेकिन इतने कोशिश के बाद भी वो नंबर वन के सामने नहीं टिक पा रहा था, जिसके बाद नंबर वन हाओचेन से कहता है कि तुम तो गॉड सील वॉरियर के विरासत के ऊपर अफसोस के जैसे हो। इसके बाद नंबर वन हाओचेन के ऊपर बहुत तेज स्पीड से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हाओचेन जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अब इसे देखते ही लिसिन को उसके बारे में चिंता होने लगती है और यहुआ कहने लगता है कि हाओचेन अपने सारे ट्रिक को आजमा चुका है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अब इस मैच में उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचेन अभी भी अपना हार मानने के लिए तैयार नहीं था और वह फिर से अपनी बची हुई पावर के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। यह देख नंबर वन उसके तरफ आता है और उससे पूछता है कि क्या मास्टर सिंगयू ने तुम्हें यही सब सिखाया है। अब इस बात को सुनकर हाओचेन फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और इस बार अटैक करने के पहले वो अपने पूरे स्पिरिचुअल पावर को कलेक्ट करने लगता है। अब उसके इस जज्बे को देख नंबर वन भी उसकी तारीफ करता है और फिर हाओचेन से कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे मुझे सरप्राइज करते हो। लेकिन अब इसके इस बात की वजह से लिसिन इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और फिर नंबर वन को कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबसे ज्यादा हैंडसम हो। फिर वो कहती है कि लेवल 5 वाला वॉरियर होकर लेवल 4 वाले वॉरियर को बुली करने में क्या महानता है। तभी यहुआ कहने लगता है कि इन दोनों के बीच में स्पिरिचुअल पावर का गैप है और इसके अलावा इनके बीच में तो क्लास का भी गैप है, जिसकी वजह से यह चीज बहुत ही क्रूएल है। अब यहुआ को समझ में आ गया था कि हाओचेन अपने लास्ट अटैक की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस मैच में पीछे नहीं रहना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन ने अपने बचे हुए स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा कर लिया है और अब इसकी मदद से वो नंबर वन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि नंबर वन को हाओचेन के इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार यह अटैक भी एक निराशा है। इसके बाद वो अपने अटैक से हाओचेन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचेन के पास में एक बैकअप प्लान भी होता है और इसके बाद वो फिर से नंबर वन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इस बार नंबर वन भी हाओचेन का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है और इस बार वो अपने अटैक से हाओचेन की एक तलवार को तोड़ देता है। तभी इसी बीच हाओचेन नंबर वन के तलवार को पकड़कर उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन इसके बाद भी नंबर वन उसके अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर वो अपने अगले अटैक में हाओचेन को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से अब हाओचेन की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। अब इस बात की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे और इनको हाओचेन के बारे में चिंता होने लगी थी। अब इसकी कंडीशन देख रेफरी तुरंत इसके पास में आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अपना हार मानना चाहते हो, क्योंकि इस वक्त हाओचेन की एक तलवार भी टूट गई होती है। अब यह देख बाकी वॉरियर आपस में बात करने लगते हैं कि क्या हाओचेन हार मान लेगा। तभी इनमें से दूसरा वॉरियर कहने लगता है कि अभी तो नंबर वन ने अपने फुल पावर का यूज नहीं किया था, नहीं तो फिर उस कंडीशन में हाओचेन उठने के काबिल भी नहीं रहता। इसके बाद हम देखते हैं कि लिसिन और यहुआ को हाओचेन के बारे में बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि हान्यू भी इस मैच को देख रहा होता है और इसके बाद वो कहता है कि ग्रैंडफादर आपने जिसे चूज किया था आखिरकार वह भी इस मैच में हार गया, और इसके बाद हान्यू उदास होकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हाओचेन रेफरी से कहता है कि वो अपनी हार नहीं मानना चाहता और वो अभी भी नंबर वन के साथ में फाइट को कंटिन्यू करना चाहता है। अब हाओचेन के इस बात को सुनकर रेफरी भी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद नंबर वन हाओचेन से कहने लगता है कि मैं मानता हूँ तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अब तुम्हें यहीं पर रोक देना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे और इसकी वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। इसके बाद नंबर वन अपने तलवार को वापस रख लेता है और फिर हाओचेन से कहता है कि अब तुम्हारे साथ फाइट को कंटिन्यू करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब उसकी यह बात सुनकर हाओचेन कहने लगता है कि मैं मानता हूँ कि तुम भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो और इसके अलावा मैं यह भी जानता हूँ कि तुमने शुरुआत से अभी तक अपने असली पावर का यूज नहीं किया, लेकिन अभी भी इस कंडीशन में मैं अपने हाथ में बचे हुए तलवार का यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपने आप को साबित
साबित करना है। इसके बाद हाओचेन नंबर वन से कहता है कि तुम अपने फोकस को अच्छे से यूज करना, क्योंकि मेरी असली फाइट अब शुरू होने वाली है। अब इतना कहने के बाद हाओचेन अपने होली स्प्रिट फर्नेस में अपने बचे हुए स्पिरिचुअल पावर को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार वाली स्पिरिचुअल पावर पहले से पूरी तरह अलग होती है, जिसकी वजह से यहाँ देखने में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर वन इसे देख हैरान हो जाता है और फिर कमांडर भी गुस्से में कहने लगते हैं कि आखिर इस लड़के ने इसका यूज करने का डिसाइड कैसे कर लिया। तभी एक दूसरा मास्टर कहने लगता है कि इंटरपोलेशन की मदद से एसेंस ब्लड और स्पिरिचुअल पावर को तुरंत ही इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से उसमें से निकलने वाली ताकत उसके कल्टीवेशन से भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन वो इसका केवल 10 सेकंड के लिए ही यूज कर सकता है और इसलिए अगर वो इसे यूज करते हुए केयरफुल नहीं रहा तब इसकी वजह से उसके ब्लड और स्पिरिट पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और आखिरकार वह भी इसकी वजह से मारा जाएगा। वहीं अगली सीन भी हाओचेन को ऐसा करता हुआ देख बहुत परेशान हो गई थी और वो यहुआ से हाओचेन को रोकने के लिए कहती है, जिस पर यहुआ भी कहने लगता है कि हाओचेन क्या सच में तुम इसे यूज करना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचेन को किसी भी बात के बारे में चिंता नहीं थी और वो इस मैच को जीतने के लिए अपने जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार होता है। इसके बाद इसमें से इतनी खतरनाक पावर रिलीज होती है कि जहाँ पूरी जगह हिलने लगती है और वहीं गार्डन में बैठी हुई सायर भी पूरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे मौसम के अंदर अचानक से बदलाव महसूस होने लगे थे। इसके अलावा हानियू भी हाओचेन को यह करते हुए देख पूरी तरह हैरान होता है और फिर कहने लगता है कि हाओचेन क्या तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि तुम केवल इस गेम को जीतने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अब नंबर वन भी हाओचेन को पावर को देख हैरान हो गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि हाओचेन ऐसा करके इन दोनों के बीच के गैप को बराबर करना चाहता है और इसी के लिए उसने यह भी कहा था कि मेरी असली फाइट अब शुरू होने वाली है। अब इसकी वजह से नंबर वन के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, जिसके बाद वो भी इसके साथ में फाइट करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन अब इस वक्त हाओचेन की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसके तुरंत बाद वो नंबर वन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। याद एक नंबर वन भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन अब उसे रियलाइज हो गया था कि इस वक्त हाओचेन की पावर भी किसी लेवल 5 वाले वॉरियर के पावर से कम नहीं है, बल्कि इस वक्त उसकी पावर उससे भी ज्यादा हो गई है। अब इस तरह से इनके बीच की फाइट फिर से शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि अब हाओचेन नंबर वन के ऊपर भारी पड़ने लगा था। अब इस बात की वजह से नंबर वन भी अपने पूरे फोकस के साथ में हाओचेन का सामना करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब इन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और ये दोनों अपने अपने पावर का यूज करके एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इस वक्त हाओचेन का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था और अब इस बात की वजह से नंबर वन भी पूरी तरह से हैरान होता है। इसके बाद हाओचेन के पावरफुल अटैक की वजह से नंबर वन के भी पसीने छूटने लगते हैं और फिर वो किसी तरह से बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाता है। लेकिन अब वो हाओचेन के अटैक के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और अब हाओचेन अपने बड़े हुए पावर की वजह से उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन असल में नंबर वन अभी भी हाओचेन से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिसकी वजह से वो उसके अगले अटैक को रोक लेता है। लेकिन यह देखा भी हुआ हाओचेन के प्लान को समझ गया था, क्योंकि अब हाओचेन सबसे पहले अपने ओपोनेंट के कॉम्बैट स्किल को पहचानना चाहता है और फिर ऐसा करके वो अपने गैप को बराबर कर लेगा, जिसकी मदद से वो अपने विनिंग का चांस क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर हाओचेन सच में नंबर वन को हराना चाहता है तब इसके लिए उसे टाइम के खिलाफ एक रेस लगाना होगा, जिसके बाद ही वो इस बैटल में नंबर वन को हरा सकता है। अब इस तरह से इन दोनों के बीच में भयंकर वाली फाइट शुरू हो गई थी, जिसके दौरान हाओचेन एक साथ में नंबर वन के ऊपर कई अटैक करता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि नंबर वन उसके हर एक अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी भी हाओचेन इस मैच में हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और इसके लिए वो और भी ज्यादा फोकस के साथ में नंबर वन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसके साथ में फाइट करके नंबर वन की हालत भी खराब हो गई थी, क्योंकि इस वक्त हाओचेन का अटैक पहले से बिल्कुल अलग हो गया था। वहीं अब हाओचेन की कंडीशन धीरे धीरे और भी खराब हो रही थी, जिसे देख एक मास्टर कहता है कि क्या हमें इन दोनों को रोक देना चाहिए। लेकिन इस पर कमांडर कहते हैं कि यही तो रियल इनहेरिटेंस बैटल है। वहीं अब हाओचेन फिर से नंबर वन का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और इस बार वो अपने होली स्वॉर्ड को यूज करने का डिसाइड कर लेता है। अब इसकी वजह से हाओचेन और भी ज्यादा खतरनाक दिखाई देने लगा था। लेकिन अब इसके लिए हाओचेन अपने
बचे हुए आखिरी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज कर रहा था, जिसे देख नंबर वन पूरी तरह से हैरान होता है और उसे यकीन नहीं होता कि हाओ चेन इस मैच को जीतने के लिए ऐसा भी कर सकता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि हाओ चेन को किसी भी बात के बारे में चिंता नहीं थी, जिसे देख नंबर वन हाओ चेन से कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में मौत से कोई डर नहीं है? लेकिन तभी हाओ चेन यहाँ पर सुयान युआन सॉ टेक्निक का यूज कर देता है और इस बार इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही खतरनाक पावर जनरेट हो गई थी, जिसे देखते ही सभी लोगों का होश गायब हो जाता है और वो कहने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है मास्टर सिंह यू इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं। वहीं अब नंबर वन भी हैरान होता है कि क्या यह चीज सच में ऐसी दिखाई देती है, क्योंकि असल में इस बार यह टेक्निक बिल्कुल मास्टर सिंह यू के जैसे मैच हो रही थी। तभी अचानक से हाओ चेन इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे देख नंबर वन भी तुरंत इसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन जब काफी कोशिश के बाद भी हाओ चेन नंबर वन को नहीं हरा पाता, उसके बाद वो इसके ऊपर एक साथ में कई बार अटैक कर देता है, जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।